नमस्कार दोस्तों, मांगने से कुछ नहीं होगा, अगर मेहनत करो तो कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता का राशि पर। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को 16 जून दिन रविवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों आइए शुरू आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आइए शुरू आकर संपूर्ण राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज रविवार है, सूर्यवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय सूर्यदेव भगवान लिखें, सूर्यदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 16 जून 2024 दिन रविवार, आज के तिथि दशमी, आज का नक्षत्र हस्त नक्षत्र, पक्ष चला शुक्र पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:22 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:20 पर। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:12 से सुबह 11:20 तक रहेगा। दोस्तों आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इस समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है दोपहर 1:31 से दोपहर 2:42 तक रहेगा। दोस्तों इस समय कोई भी शुभ काम ना करें, विघ्न आ सकता है। आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है गुलाबी और हल्का नीला। दोस्तों अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। तो दोस्तों किसी संत पुरुष या आपके माता पिता का आशीर्वाद आज आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। आर्थिक तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक स्तर से ही आज आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। घरेलू कामकाज आज आपको ज्यादा वक्त व्यस्त रखेंगे। आज अचानक किसी से रोमांटिक मुलाकात हो सकती है। आज आपको अपने कामों पर समय पर निपटाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे आपको अपने लिए भी थोड़ा बहुत समय मिल सके। ख्याल रखें कि घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है जिसको आपकी जरूरत है। आपका जीवन साथी आपको ज्यादा खास वक्त देने वाला है। आज का दिन उन चंद दिनों जैसा है जब घड़ी की सुइयां बहुत धीरे धीरे हिलती हैं। आप लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आप खुद को तरोताजा भी महसूस करेंगे और इसकी आपको काफी जरूरत भी है। साथ ही साथ सेहत के लिहाज से ये समय अवधि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दौरान आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्टों का सामना तो नहीं करना पड़ेगा परंतु बावजूद इसके आप खुद को सेहतमंद रखने के लिए योग और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करते हुए दिखाई देंगे। आज का समय आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचेंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है, इसलिए आपको भी धन और पैसे को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने से रोकना होगा। आज आपका पारिवारिक जीवन अधिक अनुकूल रहने की संभावना है क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की बेहतर स्थिति है। आपके पारिवारिक जीवन के लिए सामान्य से काफी बेहतर दिखाई दे रही है। ये अनुकूल स्थिति आपके पारिवारिक सदस्यों को हर प्रकार की मानसिक परेशानी से निजात दिलाते हुए एक दूसरे के प्रति उनका भाईचारा बढ़ाने में मददगार सिद्ध होगी। इस समय परिवार के करीब करीब हर सदस्य का व्यवहार भी बहुत अच्छा रहने की संभावना है। कैरियर में आपने पूर्व में जो गति पकड़ी थी इस समय उस पर ब्रेक लगने के योग बन रहे हैं। इस समस्या के कारण आपको अपने विभिन्न क्षेत्रों में भी नकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। आपके साहस और पराक्रम में भी कमी आएगी। आप इस समय खुद को बेहद अकेला और असहाय महसूस भी कर सकते हैं। दिन की शुरुआत में विद्यार्थियों के लिए काफी बेहतर रहेगी और फिर अंत तक आप सामान्य से भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उसके बाद आपको कुछ घरेलू मुद्दों के कारण छोटी मोटी चुनौतियों से गुजरना होगा, इसलिए अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। अध्ययन में रुचि, स्वास्थ्य के प्रति सावधानी और मानसिक तनाव से खुद को जितना संभव हो दूर रखने का प्रयास करें और हो सके तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि आप सोचने से पहले दो बार सोचें, अनजाने ही आपका नजरिया किसी की भावना को ठेस पहुंचा सकता है। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके गुस्सेल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाएं। आपके जीवन साथी का बोझ दूर करने के लिए घरेलू कामकाज में थोड़ा हाथ बटाएं, इससे आपके प्रिय को एहसास होगा कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं
और आपका हमदम आपको पूरे दिन याद करता रहेगा। उसे कोई प्यारा सप्ताह देने की योजना बनाएं और इसे उसके लिए एक खूबसूरत दिन में तब्दील करने के बारे में सोचें। शहर से बाहर यात्रा ज़्यादा आरामदायक नहीं रहेगी, लेकिन आवश्यक जान पहचान बनाने के लिहाज से फायदेमंद साबित होगी। जीवन साथी के साथ आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। आज आप किसी पेड़ की छांव में बैठकर या किसी पेड़ के पास बैठकर आप दोनों आपस में सुकून भरी बात करने का दिन रहेगा। जीवन को आज आप नजदीकी से जी पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आप अपने प्रियो को बहुत याद करेंगे, परंतु वो काम की व्यस्तता के कारण आपसे मिलने या बात करने में असमर्थ होंगे, जिससे आपका मन दुखी व उदास रह सकता है और आप कुछ हद तक खुद को अकेला भी महसूस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कई वैवाहिक जातकों के जीवन का सबसे मुश्किल समय सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस दौरान खासतौर से वे शादीशुदा जातक जो अपने दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, उन्हें कई परेशानियों से दो चार करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आज का दिन तीव्र भावनाओं के नाम रहेगा। रोमांस के नाम पर आपकी मांगें तो बढ़ी हैं, लेकिन आपने अपने पार्टनर की भावनाओं की शक्ति और उनकी सहायता को काफ़ी कम करके आंका है। अगर आप अपने रिश्ते के हिसाब से अपनी मांगों को देखेंगे तो पाएंगे कि वे आपके पार्टनर की तुलना में कई ज़्यादा हैं। आज के समय का उपयोग अपने संबंधों में थोड़े भावनात्मक होने के लिए करेंगे तो आपके आने वाले समय के लिए अच्छा होगा, जो आपकी लव लाइफ के प्रति आपको वो सुकून भी देगा और आपके लिए काफ़ी आरामदायक भी सिद्ध होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आज आपका स्वास्थ्य कल की अपेक्षा बेहतर रहेगा, लेकिन कुछ जातकों को आज पेट संबंधी कोई हल्की फुल्की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे पेट दर्द या पाचन संबंधी कोई समस्या हो सकती है। इसलिए जितना हो सके बाहर की तली भुनी व तेज मसालेदार चीज़ों का सेवन करने से बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही साथ आप अपने खान पान का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।